जवाब नहीं दिया। देखिए, पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है 54A विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1964 इन द एक्ट। उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे, उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, पीडब्ल्यूडीज नहीं थे, ETPBS भी उस तरीके का नहीं था, तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जैसे पिछली बार आप ही ने कहा था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है, हमने जाके एनेबल की, सबको मिलनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं हमसे हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं, नर्सेज, डॉक्टर्स, बहुत जगह से बात आती है, हम वी आर ट्राइंग। हमने तो रिमोट वोटिंग में जो लोग घर से बाहर चले गए उन तक के लिए प्रयास करने की कोशिश की थी, जो अभी समय नहीं आया। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट, सो ऑन ऑल सेंटर्स इन द कंट्री इट विल स्टार्ट फर्स्ट, नो डाउट अबाउट इट। आफ्टर ओनली हाफ एन आवर वुड स्टार्ट दी ईवीएम काउंटिंग। सो देर आर थ्री काउंटिंग्स विच आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली एंड इट इज हैपनिंग। It happened in 2019, it happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ, और क्यों नहीं बदल सकते, बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी, जैसी ईवीएम खत्म होगा वैसी 5 VVPAT की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। लेट अस सी द फर्स्ट मसल। फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द जनरल इलेक्शंस वेयर वी हैवंट सीन वायलेंस। आपको याद होगा किस तरीके की वायलेंस हम देखते थे, J&K, LWE एरियाज ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। ये इट्स नॉट ए इजी जॉब टू डू इट, इट रिक्वायर्स 2 years ऑफ ए स्ट्रांग प्रिपरेशन। एंड आज आपके सामने में रिपोर्ट करने का ये भी पर्पज था कि इन सब ये सारा का सारा एफर्ट कहीं खो ना जाए, आपको एक बार दिखाएं तो कि क्या हुआ है। एब्सोल्युटली दिस टाइम अगर आप राइट साइड में देखते तो सारे TV भरे हुए होते थे कि वायलेंस। एक छोटी सी वायलेंस होती थी, पूरे दिन ट्रिकर चलता था, कोई ट्रिकर नहीं चला इस बार। फर्स्ट मेजर स्टोरी, वी हैव क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 642 मिलियन प्राउड इंडियन वोटर्स। This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever anywhere in the world in any of the electoral exercise, that's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries, US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. Let's see what happened next.